उम्मीद है नाजीन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी नाजीन, पाकिस्तान एयर फोर्स में कुछ वैकेंसी के अनाउंसमेंट हुई है, उसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म जो आप आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो आपको लेके चलते हैं इनकी वेबसाइट पे www.joinpf.gov.pk। ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट फॉर्म इनका आ जाएगा, पाकिस्तान एयर फोर्स एज कमीशन ऑफिसर। तो इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 16 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक है इनकी वेबसाइट पे, और कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड, आपका नादरा स्मार्ट कार्ड जो है वो जरूरी होना चाहिए। परमानेंट कमीशन 156 जनरल ड्यूटी पायलट GDP, एज जो है वो 16 से 22 साल, ईयर ऑन अच्छा जी 20 अप्रैल 2024 तक आपकी जो है वो 16 से लेकर 22 साल आपकी एज होनी चाहिए। पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, आपकी कद जो है वो 5'4" होना चाहिए, आई जो है आई साइड विदाउट ग्लासेस 6x6 होने चाहिए, आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की हो 60% मार्क के साथ, ए लेवल विथ फिजिकल मैथ कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी FSC विथ फिजिकल एंड एनी टू सब्जेक्ट मैथ स्टैटिक या कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर, अवार्ड ऑफ BS डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट। अगला जो है वो 156 जनरल ड्यूटी पायलट GDP SSC फीमेल्स के लिए है, एज 16 से 22 साल ही है, 2024-20 अप्रैल तक, फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी पाकिस्तान की रहशी हो, अनमैरिड हो, 5'4" आपका कद हो, 6x6 आपकी आई साइट हो, विदाउट ग्लासेस 60% मार्क हो, आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस ए लेवल विद फिजिकल एंड मैथ ऑफ बायोलॉजी विद इक्वलिटी ऑफ प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल FSC विद फिजिकल एंड एनी टू सब्जेक्ट मैथ स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 4 ईयर्स का होगा, अवार्ड ऑफ BS डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट। उसके बाद जी MET ब्रांच 132 CSC SSC, 18 से 30 साल इसकी एज रखी गई है और 20 अप्रैल 2024 तक आपकी जो है वो 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को होना चाहिए, मैरिड या अनमैरिड दोनों में से कोई भी हो, मिनिमम जो है 5'4" आपका कद हो, जो रैंक होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा, BSc हो या BSO BE की हो आपने या BCS 4 ईयर इन साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ या कंपलसरी कोई भी हो, MSc MS इन एनवायरमेंटल साइंस फिजिक्स मैथ ज्योग्राफी विद फिजिक्स एंड मैथ इन FSC, ईच आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो सेकेंड डिवीजन, जो आपका GPA है वो 2.0 होना चाहिए, पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी या किधर से PhD से आपका जो है होना चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड जो है वो आपका 24 वीक का होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी 102 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स जो है उसमें आपकी एज 16 से 22 साल रखी गई है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड जो है वो कर सकते हैं अप्लाई, 5'4" का है, फीमेल के लिए जो है वो 4'10" आपका कद होना चाहिए, 65% मार्क आपके होने चाहिए, FSC प्री इंजीनियरिंग ए लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विद इक्वल ऑफ प्री इंजीनियरिंग FSC BA इन एविएशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। तो 4 साल का भी आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और आपको जो है वो अवार्ड द BS इंजीनियरिंग से जो है वो होना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन ब्रांच 132 CSC SP SSC, 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, मेल सिटीजन ऑफ अप्लाई, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड और अनमैरिड, हाइट 5'4", फ्लाइंग ऑफिसर इसमें भी आपका रैंक होगा, मैथमेटिक्स BS 4 ईयर, MSc मैथ आर्टिकल इंटेलिजेंस, अच्छा जी ये सारा आप पढ़ सकते हैं, 4 ईयर आपने किया हो, 24 हफ्तों का जो है वो आपका इसमें भी जो है वो ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसके बाद आ जाते हैं एयर डिफेंस 112, 16 से 22 साल एज है, मेल सिटीजन पाकिस्तानी हो, अनमैरिड, 5'4" का दो, 60% मार्क हो आपके, FSC प्री इंजीनियरिंग FSC विद फिजिक्स एंड टू एनी सब्जेक्ट मैथ स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, 4 ईयर का आपका जो है वो इसमें भी ट्रेनिंग सेशन होगा। उसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स 132 CSC SSC, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए,
मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट 4 इंच फ्लैंक ऑफिसर, इसमें भी आपका रैंक होगा 31 एडमिन स्पेशल ड्यूटी जो है ये हो गया। 14 लॉजिस्टिक पोस्ट, 16 से 22 साल की एज होनी चाहिए, 20 अप्रैल 2024 तक। मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड हो आपकी जो है वो गैर शादीशुदा हो, मिनिमम 5 फोर जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है, 60% मार्क हो आपके FSC में, 4 ईयर की इसकी भी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड जो है। उसके बाद अकाउंट ब्रांच 132 CSC SSC 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। मेल सिटीजन ऑफ अप्लाई, मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, 5 फुट 4 इंच फ्लैंक ऑफिसर, इसमें भी आपका रैंक होगा 24 हफ्ते की आपकी जो है वो होगी, 24 वीक की ट्रेनिंग होगी। और BCom आपने की हो 4 ईयर, या BBA फाइनेंस 4 ईयर, BSc कॉमर्स, BS काउंटिंग की हो, BS फाइनेंस, या 16 साल डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और आपका GPA 2.5 out of 4, CPGA ऑफ 3 out of 5 पाकिस्तानी फॉरन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके बाद फ्यूचर डिटेल, कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग PF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर पासपोर्ट साइज फोटो, अटेस्टेड फोटो एंड सेल्फ नादरा, आपका अपना शनाती कार्ड हो, फादर मदर और ओल्ड जो है NIC या फॉरम बेस जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल है। तो टेस्टिंग सेंटर जो है वो एबटाबाद में, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, डियर खान, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद है, मियांवाली, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिक्स जो है इसमें आपको हाई पे स्केली मिलेगी, सैलरी मिलेगी आपको, फ्री मेडिकल मिलेगा आपको अपना और आपकी फैमिली का, आपको जो है वो ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग जो है वो या पोस्टिंग आपकी मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ सिटीज़ में हो सकती है, और आपको बाहर जाने के चांसेस भी मिल सकते हैं। और आपको 50% जो है वो ऑफ मिलेगा आपको ट्रेन के टिकट में और एयर टिकट में, और फ्री एकोमोडेशन आपको मिलेगी, आपको जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो है वो कोर्स करने को मिलेंगे, और आपको जो है वो मेंबरशिप ऑफ एयर फोर्स ऑफिस हाउसिंग स्कीम, आपको जो है वो इनकी जो एयर हाउसिंग स्कीम है उसमें आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो ये इनका एलिजिबल क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हैं सारा, ये आप रीड कर लें सारा। तो 120 डेज गैप ऑफ प्रीवियस पेयर इन ISB एक्सेप्टेबल ग्रांट द कंप्यूटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाउ बार ऑफ 120 डेज विल नॉट बी अप्लाईबल टू कैंडिडेट अपेयरिंग इन GHQ, NHQ, AHQ सिलेक्शन बोर्ड। तो ये सारी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नवी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।